स्वागत तुम सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। एंड फाइनली 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 रॉकस्टार गेम्स ने एडमिट कर लिया है कि हाँ, GTA 5 अब काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, उसको और खींचा नहीं जा सकता। पैसों के लिए नए गेम्स डालने पड़ेंगे। सो फाइनली हमें एक कम्युनिटी पोस्ट में अनाउंसमेंट मिली है कि हाँ, GTA का जो नेक्स्ट वर्जन होगा, आई डोंट नो व्हाट विल बी द नेम, GTA 6 या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, वो डेवलपमेंट में है अभी, रॉकस्टार ने कंफर्म किया है। ये न्यूज मुझे बहुत अजीब तरीके से मिली, ये ना ही मुझे लाइक किसी इंस्टाग्राम पोस्ट, किसी फेसबुक पोस्ट या कोई ट्वीट से नहीं मिला। ये मैंने देखा था यूट्यूब पे, वो भी किसी और चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे। तो पहले मुझे लगा था दिस वॉज अ फेक न्यूज, फेक लगा मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने रॉकस्टार का न्यूज वायर खोला एंड एक्चुअली दिस वॉज करेक्ट। और ये न्यूज भी बहुत अजीब तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो मैंने रॉकस्टार का जो न्यूज वायर है उसको खोला, ठीक है, यहाँ पे GTA कम्युनिटी अपडेट को सेलेक्ट किया। और सबसे पहले इस पेज, ये जो आर्टिकल है, इसमें पहले दिखाएगा कि हम लोग क्या अपडेट्स आने वाले हैं फॉर GTA ऑनलाइन, और जो करंट जो GTA ऑनलाइन का जो तो कॉन्ट्रैक्ट मिशन है उसके ऊपर सबसे पहले वही ये सब है। तो डजंट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यू GTA और समथिंग लाइक दैट। लेकिन लास्ट में, एकदम लास्ट में, दिस वन, यहां पे जैसे ही मैं गया, यहां पे लिखा है व्हाट्स नेक्स्ट। तो पढ़ के सुनाता हूँ फिर उसको बताते। विद द अनप्रेसिडेंटेड लॉन्जेविटी ऑफ GTA 5, वी नो दैट मेनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग अस अबाउट अ न्यू एंट्री इन द GTA सीरीज। विद एवरी न्यू प्रोजेक्ट वी एम्बार्क ऑन, आवर गोल इज ऑलवेज टू सिग्निफिकेंटली मूव बियॉन्ड व्हाट वी हैव प्रीवियसली डिलीवर्ड। एंड वी आर प्लीज टू कन्फर्म दैट द एक्टिव डेवलपमेंट फॉर द नेक्स्ट एंट्री इन द GTA सीरीज इज वेल अंडर वे। वी लुक फॉरवर्ड टू शेयरिंग मोर सून एज वी आर रेडी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द रॉकस्टार न्यूज़ वायर फॉर ऑफिशियल डिटेल्स। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम वी थैंक यू रॉकस्टार गेम्स। सो इस न्यूज से पता चलता है कि हाँ, GTA का जो नेक्स्ट वर्जन है वो डेवलपमेंट में है फाइनली। अच्छी बात है, बट आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट दिस, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में रॉकस्टार के साथ जो हो रहा था भाई, उसके वजह से अब एक तरह से खुशी हुई कि हाँ, एटलीस्ट नया GTA आ रहा है, एटलीस्ट डेवलपमेंट फेज में है वो। बट कुछ चीजें हैं जो मुझे लाइक खटक रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, एंड ये तो ऑब्वियसली होना ही होना है, दिस GTA, ये जो ये वाला जो GTA है, दिस वोंट बी रनिंग वेल ऑन लो एंड हार्डवेयर। एंड ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर तुम लोगों ने जो मैट्रिक्स अवेकेंस का जो ट्रेलर तुमने देखा है, गेम प्ले ट्रेलर, या फिर कुछ यूट्यूबर्स ने उसका डेमो भी दिखाया था मैट्रिक्स अवेकेंस का, यू नो हाउ गुड दैट गेम लुक्स। गजब की ग्राफिक्स है भाई उस गेम में। अनरियल इंजन 5 इज जस्ट इनसेन, अलग लेवल में है भाई, और उसी को टक्कर देने वाला है रॉकस्टार गेम्स। ऑब्वियसली रॉकस्टार अपने रेज इंजन को ही यूज करेगा, एंड कुछ जो लाइटिंग इफेक्ट्स है, कुछ जो शेडो इफेक्ट्स, जो भी ये सब है, ये सब अनरियल इंजन 5 से ले सकता है, मे बी, बट हो सकता है, या फिर रॉकस्टार खुद ही वो सब इफेक्ट्स इफेक्ट्स डाल दे। एंड मे बी आई रियली वॉन्ट दिस। इस बार मैं चाहता हूँ इस GTA में भाई ऑफिशियली RTX सपोर्ट है, ठीक है, आई रियली वॉन्ट दिस। बट उससे क्या होगा, ऑब्वियसली लो एंड हार्डवेयर में नहीं चल सकता, तो वो एक दुख की बात है। तो दैट्स द सैड पार्ट, क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। ओके, अगला जो मेरे को लाइक डाउट हो रहा है इस अनाउंसमेंट से, वो है द स्टोरी। अब मैं एक ऐसा बंदा हूं, अगर मैं कोई सिंगल प्लेयर गेम देखता हूं ना, तो मैं दो चीजों को देखता हूं। एक है गेम प्ले, गेम प्ले कैसा है, अगर गेम प्ले एडिक्टिव नहीं है, अगर गेम प्ले चैलेंजिंग नहीं है, वो गेम खेलने का मजा नहीं है भाई। दूसरा है स्पेसिफिकली फॉर सिंगल प्लेयर, वो है स्टोरी। स्टोरी अगर अच्छी नहीं होगी तो भाई वो गेम खेलने का मजा नहीं। ये दो चीज भाई बहुत मैटर करती है सिंगल प्लेयर गेम के लिए। एंड मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि रॉकस्टार का जो, मतलब रॉकस्टार टीम में स्पेसिफिकली बहुत कुछ चेंजेस हुए, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए। सबसे पहली उन लोगों को पता है लास्लो जोन्स और डैन हाउसर। लास्लो जोन्स जो एक लीड राइटर है स्टोरी का, जितने भी रॉकस्टार के गेम्स आए हैं उनमें उनमें जो स्टोरी है उसमें लीड राइटर ही है डैन हाउसर, क्या बोलते हैं, लास्लो जोन्स। हाँ,
लेसो जोन्स हमारा लीड राइटर छोड़ दिया है रॉकस्टार, एंड डैन हाउसर ही इज ऑल्सो वेरी की पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ ऑल दी जीटीए गेम्स, जितने भी सारे जीटीए गेम्स आए हैं उनका की पार्ट रहा है डैन हाउसर, अब वो भी छोड़ दिया, अब वो रॉकस्टार का को फाउंडर है, वो भी छोड़ दिया है। सो ये तो आप वक्त ही बता सकता है कि स्टोरी कैसा होगा जब रिलीज होगा ये गेम। वहां पे एक डाउटफुल पार्ट है कि हाउ वुड बी द स्टोरी। एंड एक और चीज, एंड ये लीक्स और रूमर से पता चल रही है कि इस बार वाला जो जीटीए है ना, दिस विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द ऑनलाइन पार्ट, नॉट द स्टोरी। सिंगल प्लेयर जो पार्ट होगा वो छोटा होगा कंपेयर टू प्रीवियस एंट्रीज, और जो ऑनलाइन पोर्शन होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं, अब रॉकस्टार ही वो कर सकता है क्या पता, जैसे गेम आएगा तब पता चल जाएगा कि ऐसा होगा। बट आई जस्ट होप कि इस बार रॉकस्टार पे सिंगल प्लेयर पे भी थोड़ा सा काम करे, क्योंकि ठीक है ऑनलाइन आए, अंडरस्टैंड ऑनलाइन से ऐसे आते हैं अच्छे खासे, बट सिंगल प्लेयर पे भी भाई रॉकस्टार की शान होती है यार। अगर तुमने प्रीवियस रॉकस्टार के सिंगल प्लेयर गेम्स देखे भाई, स्पेशली रेड डेड 2, रेड डेड 1, मैक्स पेन सीरीज, और इवन जीटीए के भी प्रीवियस एंट्रीज लाइक जीटीए सैन एंड्रियास, जीटीए 4, जीटीए और कुछ आता जीटीए 5 भी, ऑल दो मुझे जीटीए 5 का सिंगल प्लेयर कुछ खास नहीं लगा था, बट आई गेस सो सिंगल प्लेयर के मामले में रॉकस्टार अभी भी मतलब अच्छा काम करता है। लेट्स सी क्या होता है, जब ये आएगा तब देखा जाएगा। इसके बाद एक और डाउट मुझे लग रहा है वो है, और आई वोंट से दिस इज अ डाउट, ये मेरी विश लिस्ट है, इस बार प्लीज 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 रॉकस्टार हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, सर्वर्स पे काम करो यार। आई मीन जीटीए 5 के सर्वर्स इज जस्ट हॉरेबल, मतलब तुम लॉगिन करने जाओगे भाई लिटरली तुम बादलों में देख रहे हो ऐसे 10 मिनट 15 मिनट, और एक सर्वर लोड रूम में तो लोग इसको क्लाउड सिमुलेटर बोलते हैं, जीटीए 5 को जो ऑनलाइन वर्जन है जीटीए ऑनलाइन, इसको क्लाउड क्लाउड सिमुलेटर बोलते हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि भाई सर्वर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो भाई बेटर हो भाई, पीयर टू पीयर जो मॉडल है दैट इज हॉरेबल भाई। एक तो सर्वर लोडिंग इज जस्ट इनसेन, बहुत ज्यादा टाइम रहता है सर्वर लोड होने में, दूसरा इट्स प्रोन टू हैकिंग, हैकर्स आ जाते हैं भाई जीटीए ऑनलाइन में, मतलब जीटीए ऑनलाइन में लाइक 50% प्लेयर्स हैकर्स है, ठीक है हैकर्स या मॉडल जो भी बोलो, गेम बर्बाद कर देते पूरी तरह से। उसके बाद ये सिक्योर भी नहीं है, तुम्हारा आईपी एड्रेस लीक हो सकता है, तो ये मैं चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट इस बार तो भाई अगर ऑनलाइन बना बना ही रहो तो भाई थोड़ा सा सिक्योर बनाओ, और एक और चाहते कि एटलीस्ट थोड़ा सा एंजॉयबल बनाओ यार ऑनलाइन को, मतलब अभी तुम अगर करेंटली तुम अगर एज अ न्यू प्लेयर तुम जीटी ऑनलाइन खेलोगे ना तुम्हें मजा नहीं आने वाला, बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि हर चीज इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई ना उस गेम में, तुमको खरीदने के लाइक घंटों 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 मिस्त्री का काम करना पड़ेगा वहां पे, लिटरली मिस्त्री का काम वहां पे, इतनी बुरी हालत है भाई जीटी ऑनलाइन की। आई होप ये चेंज हो सके बट आई डोंट नो, मे बी रॉकस्टार के जो बड़े वाले हैं जैसे टेक टू इंटरेक्टिव, वो तो भाई लालची है बहुत ज्यादा, क्या कर सकते हैं, देखा जाएगा जब गेम आएगा तब ही पता चलेगा। बट यही था मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन जीटीए द नेक्स्ट जीटीए अनाउंसमेंट के लिए। एक्साइटेड टू हो ऑब्वियसली, बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या होगा नेक्स्ट जीटीए 6 में, आई होप इट्स कॉल्ड जीटीए 6, नहीं पता नहीं क्या कॉल क्या बुलाएंगे रॉस्टर इसको, बट लेट्स सी जब आएगा। अब बात करते हैं इसके टाइमलाइन के बारे में, अब पता नहीं है इधर, आई थिंक जल्दी तो आने नहीं वाला ऑब्वियसली, रॉकस्टार बहुत टाइम लगा था अपने गेम्स को लाने में, तो आई थिंक अर्लीस्ट आई वुड से 2024 अर्लीस्ट, और मे बी उससे भी लेट हो सकता है, रॉकस्टार गेम्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था अपने गेम्स को लॉन्च करने में। और एक और दिक्कत वाली बात यह है कि रॉकस्टार जनरली अपने मेन स्ट्रीम गेम्स को सबसे पहले कॉन्सोल्स में लाता है, ठीक है, मतलब इस बार PS5 और एक्सबॉक्स सीरीज एस एन एक्स उनमें सबसे पहले जीटीए आएगा, उसके बाद आफ्टर 1 और 2 ईयर्स पीसी में आएगा, ठीक है, तो वो भी एक है, आई होप ये चेंज हो सके, मे बी चेंज हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि जो ये रिलीज स्ट्रैटेजी है वो चेंज होने वाली है, पहले कॉन्सोल्स में आएगा, 1-2 साल तक एक्सक्लूसिव रहेगा कॉन्सोल्स के लिए, उसके बाद ये पीसी में आ जाएगा।
सो दैट्स इट फॉर माई ऑनेस्ट रिएक्शन. तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताना. एंड अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय.